फाइव वास्तु टिप टू बैलेंस योर होम। वैसे तो बहुत सारी वास्तु रेमेडीज और टिप्स हैं, बट ये कुछ पांच मेजर टिप्स हैं जिन्हें आप करके अपने घर को एक हद तक बैलेंस कर सकते हैं। बिकॉज सी द वास्तु इज द गेम ऑफ बैलेंसिंग और कुछ भी नहीं है। वास्तु बैलेंसिंग का गेम है, कोई भी चीज़ ज़्यादा ही इवोक ना और कोई तो सप्रेस मतलब नीचे हो ही ना, क्योंकि अगर नीचे रहेगी तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, बट ज़्यादा ही इवोक भी ना हो। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भैया फाइनेंसिस के लिए साउथ ईस्ट को संभालो, साउथ वेस्ट को, स्पेशली साउथ ईस्ट को। लोग इतना ज़्यादा इन्हेंस कर देते कि एनजाइटी इशूज आने लगते हैं, तो मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना है। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज इस वीडियो पे हम कुछ पांच ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप करके अपने घर की एनर्जी को एक प्रॉपर फ्लो में ला सकते हो, अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो, ताकि आपके हेल्थ अच्छे रहे, आपके वेल्थ अच्छे रहे, आपके कैश फ्लो अच्छे रहे और आपके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला आता है क्लीन एंड क्लैटर फ्री होम। आपको घर हमेशा क्लीन रहना चाहिए, हमेशा क्लैटर फ्री होना चाहिए। ये चीज़ बड़े बुजुर्ग भी कहेगा कि जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ भैया लक्ष्मी जी नहीं, किसी का वास नहीं होता। पता नहीं ऐसे घर में इंसान कैसे रह जाते हैं। तो हमें हमेशा क्लैटर फ्री रखना है। पहली बात तो क्लीन रखना है घर में, रेगुलर साफ़ सफाई होनी चाहिए, झाड़ू पोछा रेगुलर होना चाहिए, चाहे आप खुद करो चाहे कोई रख लो सर्वेंट वगैरह करने के लिए, बट रेगुलर साफ़ सफाई होनी चाहिए। क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो वहाँ पर एनर्जी बैलेंस रहेगी। एनर्जी कैसे बैलेंस रहेगी? क्लैटर फ्री होने में। कईयों का घर आप देखेंगे ना, बहुत फैला रहता है, घुसते साथ कपड़े वहाँ पड़े हैं, जूते वहाँ पड़े हैं, वहाँ पर अनयूज चीज़ें पड़ी है, कार्टन अगर पड़ा है तो 2 महीना वहाँ पड़े ही हुए हैं। इस चीज़ को अवॉइड करना, हमेशा क्लैटर फ्री होना चाहिए घर, साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। दूसरा जो है लाइटिंग। लाइटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वास्तु। आप नोटिस करिएगा, कैफेज़ वगैरह जाते होंगे, अभी तो आई डोंट नो, मैं बहुत पहले 5-7 साल पहले गया था तो देखा था, मतलब बीच में भी जाता हूँ, बट ये ट्रेंड पहले चलता था। पहले कैफेज़ में ना रेड कलर की लाइटें बहुत चलती थी, मतलब एक ऐसे कैफ़े रहता था या जो भी रेस्टोरेंट टाइप का रहता था जहाँ पर रेड कलर का डीम बल्ब जला हुआ है, जा रहा है काला ब्लैक अंधेरा, रेड 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 बल्ब लगा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था, बट आप वहाँ पर उस कैफ़े में आधे पौन घंटे से ज़्यादा बैठते हो। और अगर कई लोग को याद हो या कई लोग ऐसे चीज़ को फेस की हो, तो ऐसे टाइप के जगह में जाने में आधे घंटे बाद या तो लड़ाइयाँ हो जाती है, तो बहस चालू हो जाती है, या फिर डिप्रेशन में जाने लगता है। क्यों जाने लगता है? वो कैफ़े की खाने की वजह से, बात की वजह से, नहीं वहाँ के कलर की वजह से। आपको कुछ नहीं, आप अपने घर में देखिएगा, वो उस टाइप ऐसे कोई जगह बनाइएगा जहाँ पर बड़ा अजीब सा मतलब रेड कलर का बल्ब लगा दीजिएगा और 24 घंटे एक बार रहेगा, 6-7 घंटे ही रह के देख लीजिएगा, आपको अजीब एकदम फील होने लगेगा। तो ये तो सिर्फ रेड कलर का मैं एग्जांपल दिया। हमारे घर पे लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली अगर बात कर ले तो घर में 2 टाइप की लाइट्स का आजकल के डेट में यूज़ होता है, एक आता है वार्म वाइट, दूसरा आता है ब्राइट वाइट। अब दोनों कलर अपनी अपनी जगह अच्छा है, कोई कलर ख़राब नहीं है, बट इसका यूजेज मैटर करता है कि हम किस रूम पे या किस जगह पे या किस स्पेस पे ये कलर यूज़ करते हैं या फिर ये कलर की लाइट यूज़ करते हैं। वार्म वाइट डिनोट्स आराम करना, मतलब कहते हैं ना कि एक कामनेस। तो वार्म वाइट जो है आप उसे बेडरूम पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेडरूम पे भैया इंसान को शांति चाहिए रहता है। इंसान जो रहता है दिन भर इंसान काम करके आके एट द एंड बेडरूम पे वो लेटता है आराम करने के लिए, वहाँ पर वार्म वाइट चलेगा तो एक माइंड को एक पीसफुल वाली चीज़ें मिलेंगी, मतलब समझ रहे हो, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। तो वार्म वाइट को आप बेडरूम पे यूज़ कर सकते हो। वार्म वाइट को हमें स्टडी रूम में यूज़ नहीं करना है। एट द टाइम स्टडी रूम में आप वार्म वाइट यूज़ कर देंगे, बच्चा या फिर जो भी वहाँ पर पढ़ने बैठेगा उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा, आलसी होने लगेगा, वो आलस आने लगेगी उसे। तो वहाँ पर हमें कौन सी लाइट यूज़ करनी है? वहाँ पर हमें ब्राइट वाइट यूज़ करनी है। तो ऐसे हर कलर को हमें देख सुन के करना है। अब अगर हम कर देते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर का या फिर रेड बल्ब का यूज़, डिजास्ट्रस अपॉर्चुनिटी आनी खत्म हो जाएगी। तो हर डायरेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कलर बना हुआ है, बट इतना आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे और पूरा घर ना फिर आपकी रंगीन दिखेगी, वो चीज़ नहीं करना है। तो क्रक्स में मैंने बता दिया वार्म वाइट और वाइट ब्राइट वाइट, इसे कहाँ कहाँ लगाना है ये अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन में लगा रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हो बढ़िया वार्म वाइट कलर, बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन मिलेगा। स्टडी रूम में हमें ब्राइट वाइट लगानी है, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिसेस है, ऑफिसेस के कुछ केबिन्स है जहाँ पर कंटिन्यूशन में वर्क चलना चाहिए, ब्राइट वाइट का यूज। तो वापस आते, फिलहाल तो घर की बात कर रहे थे, तो क्लीन एंड क्लैटर फ्री होना चाहिए, लाइटिंग्स का मैंने बता दिया। तीसरा प्लांट, पेड़ पौधे जहाँ जगह मिले वहाँ लगा देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। 2-3 चीज़ें, क्योंकि ये वेद में भी लिखा हुआ कि प्लांट्स जो रहते हैं या फिर पौधे रहते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं।
चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे कुछ भी हो, जितने ज़्यादा आपके घर में पेड़ पौधे रहेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस कम रहेगी घर पे, उतने ज़्यादा उस घर के लोग क्रिएटिवली सोच पाएंगे, उतने ज़्यादा उस घर के लोग खुश रहेंगे। तो पेड़ जहाँ पर आपको जगह मिल जाए वहाँ पर लगा दीजिए। कुछ डायरेक्शंस हैं कि कौन सा डायरेक्शन पे कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, स्पेशली मनी फ्लो या पैसों के लिए, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। फोर्थ है फ्रेगनेंसेस। फ्रेगनेंसेस आपके माइंडसेट को ऐसे शिफ्ट करता है। कभी आप नोटिस करिएगा बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पागल हो गए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग गए हो, फ्रेगनेंस अच्छे लगा लीजिएगा अपने आजू बाजू ना, रूम फ्रेशनर लेवेंडर या रोज़ वाला छिड़क दीजिएगा, आपका तुरंत माइंडसेट शिफ्ट होता है। बड़े बड़े अगर आप होटल्स पे चले जाएंगे तो वहाँ पर कभी वॉशरूम में घुसिएगा, वहाँ पर लेमन फ्रेगनेंस का यूज़ किया जाता है, तुरंत माइंडसेट को मतलब शिफ्ट कर देता है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आप वॉशरूम जाते रहोगे, कुछ 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 प्लानिंग पॉडिंग, एट द टाइम आप वॉशरूम में जाओगे एकदम रिलैक्स। तो हर फ्रेगनेंस कुछ कहता है, जैसे कहते हैं ना वो कोई पेंट का डायलॉग है, हर घर कुछ कहता है, वैसे हर फ्रेगनेंस भी कुछ कहता है। स्पेशली बाय डिफॉल्ट लेवेंडर और रोज़ जो फ्रेगनेंस है वो हर जगह काम आते हैं आपके मेंटल पीस के लिए या फिर मेंटल शिफ्ट के लिए। तो आप अपने घर पे अपने टेस्ट अनुसार फ्रेगनेंस यूज़ कर सकते हो। ऐसे मैं कहूँगा लेवेंडर और यूज़ को करिए, रोज़ को करिए, बहुत अच्छा है। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट पे आते हैं करेक्ट प्लेसमेंट। चीज़ों की सही प्लेसमेंट बहुत रोल, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, छोटा सा, वैसे इस पर मेरी कम से कम 25-30 वीडियो बनी होंगी, नहीं नहीं मे भी, आप जाकर देख सकते हैं, मिनिमम 20 वीडियो तो होंगे कि किस डायरेक्शन पे क्या चीज़ रखना चाहिए, और ये मायने रखता है। इस वीडियो पे इसे बताऊंगा बहुत कम पहुँच जाएगा, तो और आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों का प्लेसमेंट मायने रखता है। लेट अस सपोज ब्रह्म स्थान में आप सोफा रख दिए, या ऊपर डाइनिंग टेबल रख दिया, या कोई भारी सामान रख दिया, लाइफ डिजास्टर्स के इसी डायरेक्शन पे कितना भी वर्कआउट कर लो, ब्रह्म स्थल खराब मतलब पूरा घर खराब, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेजर एनर्जी का सोर्स है। तो नॉट ओनली ब्रह्मस्थल, हर तरफ की हर जगह की चीज़ें मायने रखती है। अब नॉर्थ ईस्ट में यदि आप भारी सामान रख दे रहे हो तो भी मेंटल क्लैरिटी नहीं आने वाली, माइंड चोक हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हर डायरेक्शन के लिए करेक्ट प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट प्लेसमेंट का मैंने और भी वीडियो है जो नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर और भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें होना चाहिए, पहला क्लैटर फ्री एंड क्लीनिंग, दूसरा लाइट्स, तीसरा प्लांट्स, चौथा फ्रेगनेंसेस। ये चारों पांचों पॉइंट को अगर आप अपने घर पे प्रॉपरली मैनेज कर लेते हो तो आपके घर की एनर्जी 80-90% ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। एट द टाइम एनर्जी बैलेंस होती है, इश्यूज एंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही, अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।